को नसीहत, खुद मियां फजीहत। एक्सपो सेंटर में कोरोना एसओपीज को रोंद डाला इंतजामिया। कोरोना एसओपीज पर अमल और समाजी फासला बरकरार रखने में नाकाम। कितारे गलत बनाने पर शहरियों और एक्सपो गार्ड्स में तलख कलामी। शहरियों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। एक्सपो सेंटर में हैंड सैनिटाइजर रखा गया, ना साबुन मौजूद है। मुनासिब पार्किंग न होने से सेंटर पहुंचने में 3 घंटे लगे। प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म मजीद मौसर बनाया जाए, वज़ीर-ए-आला का हुक्म। उस्मान बुज़दार की ज़ेरे सदारत आला सतह का इजलास। आटा, चीनी और दीगर अशिया के निर्ख और दस्तयाबी का जायजा लिया गया। वज़ीर-ए-आला कहते हैं कि महंगाई अहम इशू है, प्राइस कंट्रोल के लिए मौसर कार्रवाई की जाए। किसी को आम आदमी की जेब पर डाका डालने की इजाज़त नहीं देंगे। आम आदमी को ज़रूरत की अशिया मुकर्रर निर्ख पर मिलनी चाहिए। वफाकी वज़ीर शफकत महमूद की जिना अस्पताल आमद। मुजाहरीन के तशद्दुद से जख्मी पुलिस अहलकारों की अयादत की और गुलदस्ते पेश किए। पुलिस अहलकारों को इलाज मुआवजे की बेहतरीन सहूलियात फराहम करने की हिदायत। शफकत महमूद कहते हैं, पुलिस ने जिस जज्बे से बदमनी का मुकाबला किया वो काबिल तहसीन है। अमनो अमान बहाल करने में पुलिस ने जान निशानी से काम किया। पीडीएम के 26 निकाती मुआहदे पर अमल करना हर पार्टी पर फर्ज है। सिलेक्टेड टोले ने मुल्क की सियासत और मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। मुल्क में साफ और शफाफ इलेक्शन जरूरी है, इंतखाबात में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। हुकूमत के पास सवाए झूठ के कुछ नहीं। निगी रहनुमा राना सनाउल्ला की मीडिया से गुफ्तगू। आमदन से जायद असासाजात केस में राना सनाउल्ला के जमानती मचल के मंजूर हो गए।